नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो, लेकिन रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खोसी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं उपासना और देखते हैं भक्ति तरंग, जिसमें होगी हर धर्म हर मजहब से जुड़ी खबरें। जयपुर के कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा में हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता को हरे कृष्ण मूवमेंट ग्लोबल के प्रेसिडेंट पद्मश्री मधु पंडित दास और हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर मुंबई के प्रेसिडेंट अमितासन दास ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवद गीता में दिव्य ज्ञान है, उसे घर घर पहुँचाने का काम हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से किया जा रहा है। पूरे विश्व में आम जन को हरे कृष्ण मूवमेंट से जोड़ा जा रहा है। मूवमेंट का प्रमुख उद्देश्य अध्यात्मिक के प्रति लोगों को जोड़ना है। 22 लाख बच्चों को मिड डे मील भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया, हरे कृष्ण कल्चर सेंटर का निर्माण अध्यात्म को और अधिक बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अध्यात्मिक एजुकेशन के लिए हरे कृष्ण मूवमेंट काम कर रहा है। आज बच्चों को स्पाइडरमैन, पोकेमैन इनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। अब उनसे हनुमान जी के बारे में पूछो, कृष्ण के बारे में पूछो, तो एक लिमिटेड नॉलेज। तो एक ऐसा केंद्र होना बहुत जरूरी है जहां पर व्यक्ति आए और साइंटिफिक रूप में एक बहुत ही अच्छे प्रकार से उनको ये नॉलेज दी जाए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, इसमें कुछ दम है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, एक सिर्फ रिलीजन के माध्यम से लोग आके यहाँ पे जस्ट सेंटिमेंटली यहाँ पे हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, ऐसी चीज नहीं है ये। तभी तो देखें आप, यहाँ पे IIT के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े हुए हैं। क्यों? उनको लगा कि इसमें दम है। और हमारा तो जो ये सांस्कृतिक केंद्र बनाने का, यहाँ पे लाइब्रेरी होगी, यहाँ पे ऑडिटोरियम्स होंगे, यहाँ पे थिएटर्स होंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, 8 घंटे 10 घंटे अगर वो यहाँ पे बिताता है, तो बिल्कुल एनरिच होके स्पिरिचुअली वो यहाँ से ऐसा बन के जाएगा वो कि हाँ, इसमें दम है, मुझे ये प्रैक्टिस करना है, मुझे भी भगवद गीता पढ़नी है। जयपुर वासियों के लिए हम ये भव्य मंदिर बना रहे हैं, जयपुर वासियों की बेनिफिट के लिए है। क्या बेनिफिट ये मंदिर से मिल सकता है? 170 करोड़ खर्च करके एक मंदिर हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसमें इट इज अ पॉइंट वेयर पीपल ऑफ जयपुर कैन कम टुगेदर, मीट टुगेदर एंड लर्न अबाउट भगवद गीता, लर्न अबाउट भागवत, लर्न अबाउट संकीर्तन, लर्न अबाउट अवर भारतीय संस्कृति। दैट इज द गोल। इट्स अ कल्चरल एजुकेशनल।